कह रहे हैं एरिया ऑफ स्केर हर साइड उसके फाइव सेंटीमीटर तो वो क्या है ट्वेंटी सेंटीमीटर अगर फाइव को हम फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं स्केर का एरिया फाइंड आउट करना है तो एल स्केयर तो इसका मतलब हमने इसको टू टाइम मल्टीप्लाई तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्केर तो इधर क्या है हैं ट्वेंटी सेंटीमीटर्स तो ये भी क्या False है फॉल्स है ओके नेक्स्ट डी एंड ई आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है क्वेश्चन नंबर थ्री सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने है ओके okay. द एरिया ऑफ द शेडिड पार्ट इज़ द गिवन फिगर इज हमने ये बताना है कि इस इस जो हमारे पास शेडिड पार्ट है ये एक फिगर है उसमें शेडिड पार्ट का एरिया क्या होगा तो हम कैसे इसे मतलब काउंट करेंगे ये देखें हमने स्केयर्स को देखना है ये देखें इधर वन टू ये टू स्केयर्स हो के ना ओके okay. ये हाफ और ये भी हाफ जब ये हाफ और हाफ आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीट स्केर बन जाएगा तो वन टू और ये हाफ हाफ मिलकर थ्री और ये हाफ थ्री एंड हाफ स्केयर होगा ना तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा थ्री एंड हाफ स्केयर फाइव सेंटीमीटर स्केयर और फोर तो हमारे पास करेक्ट क्या है थ्री एंड हाफ सेंटीमीटर स्केयर ओके द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज कह रहे हैं गिवन रेक्टेंगल का एरिया तो हमने क्या करना है एट सेंटीमीटर उसकी क्या ब्रिथ और टू सेंटीमीटर उसकी क्या लेंथ एट को अगर हमने टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है ट्वेंटी सेंटीमीटर स्केयर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से हो गए तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर स्केयर ओके पार्ट सी द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज अब कह रहे हैं कि इस शेप का का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये देखेंगे ये तो कंपोजिट शेप है ना तो इसका एरिया फाइंड आउट करना क्या होगा डिफिकल्ट होगा तो इसका हम कैसे है? तो इसको हम क्या करते हैं टू ठीक है टू, टू पार्ट्स में डिवाइड ये ए पार्ट और ये बी पार्ट अब मैं क्या करती हूँ करते हैं जो ए पार्ट है उसकी क्या है 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 ठीक उसकी जो ब्रीथ है, वो क्या वन मीटर उसकी जो लेंथ है वो क्या है फोर मीटर तो जब फोर मीटर को वन मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है फोर मीटर स्केल अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं उसकी जो क्या ब्रिथ है वो टू मीटर और लेंथ क्या है वन मीटर ओके okay, अब हमने टू को वन के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ गया टू मीटर स्केयर अब हमने इनकी इन इस पूरी शेप की फाइंड आउट करनी थी ना तो अब हम क्या करेंगे ए और बी को ऐड कर लेंगे तो फोर मीटर स्केयर प्लस टू मीटर स्केयर क्या आ जाएगा सिक्स मीटर स्केयर तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा सिक्स मीटर स्केयर ठीक है हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है सिक्स मीटर स्केयर ओके पार्ट डी इफ द पेरामीटर ऑफ अ स्केयर इज सिक्सटीन सेंटीमीटर देन द एरिया इज कह रहे हैं अगर स्केयर का पैरामीटर सिक्सटीन सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा ओके पैरामीटर ऑफ अ स्केर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला अगर हमने लेंथ फोर पुट की है ठीक है तो फोर इसका फार्मूला तो फोर फोर सेंटीमीटर तो हमें पेरामीटर यही है ना कियाकेर का सिक्सटीन सेंटीमीटर ओके तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया क्या फार्मूला क्या होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए एल स्केयर ओके तो अगर हमारे पास एल फोर सेंटीमीटर है तो फोर सेंटीमीटर को

प्लस लर्न टेबल फिफ्टीन और प्लस वर्क सॉल्व एक्सरसाइज एट बी क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री ओन नोट ऑन बुक्स प्लस लर्न टेबल फिफ्टीन और प्लस